हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें देखो हम लोग नाउन का दो पार्ट कर चुके थे। आप ध्यान से, अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखा है तो आप ध्यान से देखिएगा उसको जा करके, है ना। उसके बाद फिर ये थर्ड वाला पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थर्ड वाला भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, बट वो दोनों पार्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें है। अब देखो, ध्यान देना, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि स्टडी सब्जेक्ट जो होता है ना, हम जब बात किए थे स्टडी सब्जेक्ट का, तो हमने बताया था नेम ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट वेदर दे टेक एस और नॉट। मतलब स्टडी सब्जेक्ट या तो एस ले या न ले, वो सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। जैसे अगर हम यहां पे लिखे मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, कहना गलत होगा, हमें लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। क्लियर है? अगर हम बोलेंगे फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये कहना हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा। हमें लिखना होगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अर्थात हम आपको क्या बता रहे हैं कि स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इसे भाव कैसा दिया जाता है? सिंगुलर भाव दिया जाता है। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स आर माई आर अ फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या लिखना पड़ेगा? लिंग्विस्टिक्स इज अ फेवरेट सब्जेक्ट। तो ध्यान रखोगे एस है या नहीं है, है ना, वो फर्क उससे नहीं पड़ता। आपको ध्यान ये रखना है कि स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और इसे भाव कैसा देना है? सिंगुलर। अब देखो, ध्यान दोगे, हाँ, लेकिन ध्यान रखना इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज पजेस्ड बाई समवन। बोलोगे ये क्या होता है सर? अब देखो, स्टडी सब्जेक्ट जो है उस पर किसी का पजेशन शो किया जाए। पजेशन का मतलब क्या होता है कि उसका उस पर, हम एक देखो सिंपल आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि यदि स्टडी सब्जेक्ट के साथ, है ना, अगर किसी पर्सन का नेम आपने वहां पे ऐड कर दिया, तो जब पर्सन का नेम ऐड कर दोगे तो ये स्टडी सब्जेक्ट, मतलब क्या है कि भाई इसको पार्टिकुलर बना दिया जाए, है ना। जैसे अगर तुम बोलो केवल इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब कॉमन हो गया, लेकिन अब माई इंग्लिश हम वहां पे बोल दें तो वो उस पर क्या हो गया? पोजिशन। यानी कि वहां पे हमने क्या किया है, किसी पर्सन के नेम को ऐड कर दिया है। तो जब स्टडी सब्जेक्ट को पार्टिकुलर बना दिया जाए, किसी पर्सन का नेम आप ऐड कर देते हो, तब ध्यान रखना ये प्लुरल हो जाता है। इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स अ प्लुरल वर्ब। अब जब स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा पोजिस्ड कर लिया जाए, यानी पोजिशन में चला जाए, यानी पर्सन का नाम ऐड हो जाए, तो वो प्लुरल बन जाता है और उसे हमें कैसा वर्ब देना है? प्लुरल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देना, हमने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा इज वेरी इजी। आप एक बात बताओ, हिस्ट्री स्टडी सब्जेक्ट है, ये तो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर्सन का नेम आ गया है, और जब पर्सन का नेम आ गया है तो अब ये इसे प्लुरल ट्रीट करना होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा इज वेरी इजी कहना गलत होगा। आप देखो, हिस्ट्री के लास्ट में एस नहीं है, बट फर्क उससे नहीं पड़ता। एस का होना ना होना प्लुरल की गारंटी नहीं है, बट हाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये पर्सन का नाम आ गया तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा आर वेरी इजी। आगे देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन लीडर्स इज वेरी डर्टी। अब एक बात बताना, जब बात पॉलिटिक्स का की हो तो ये नाउन, ये तुम्हारा स्टडी सब्जेक्ट है। अब यहां पे इंडियन लीडर्स का बात है, यानी पर्सन का नाम आप यहां पे ऐड कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा? इज नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? आर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझना, माई इंग्लिश इज वीक, तो ये कहना तुम्हारा क्या है? गलत है, क्योंकि यहां पे देखो पर्सन नहीं भी है बट फिर भी पोजेशन हो रहा है। तो पर्सन का नाम कोई जरूरी नहीं है, पोजेशन के लिए माई, आवर, योर, इज, हर, देयर का भी यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ इस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई इंग्लिश इज वीक नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई इंग्लिश इज वीक नहीं होगा, क्या होगा? आर वीक होगा। हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम वीक एट इंग्लिश। देखो, हमने बताया है आपको कि गुड के साथ और वीक के साथ किसी का, किसी स्टडी सब्जेक्ट पे पकड़ दर्शाना हो, है ना, कोई उसमें अच्छा है या उसमें अच्छा नहीं है, तो गुड या वीक के साथ प्रीपोजिशन आता है एट। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब देखो, ध्यान दोगे, जब कभी बात हम करते हैं ए या एन, उसके बाद कॉलेक्टिव वर्ड, बोलोगे कॉलेक्टिव वर्ड क्या है? आप यहां ध्यान से देखिए, अगर वॉल्फ है उसके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके झुंड को बोलते हैं पैक।
क्लियर है ना। अब पूछोगे वोल्फ क्या होता है, वोल्फ होता है भेड़। तो भेड़ियों के झुंड को, ग्रुप ऑफ वोल्फ, वोल्फ इज कॉल्ड पैक, है ना। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, है ना। ग्रुप ऑफ बीज, बटरफ्लाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्म। ग्रुप ऑफ फिश, शैवल। ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड। अ ग्रुप ऑफ थीव्स, क्रिमिनल्स, गैंग। अब देखो आगे लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ राइटर्स जो दंगा करने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है मॉब। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टाफ। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी या रेजिमेंट, है ना। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जाता है बोर्ड। ग्रुप ऑफ लिसनर्स क्या है, ऑडियंस। आर्टिस्ट, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट क्या है, ट्रोप, है ना। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या है, टीम। ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या है, बीबी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये होता है कॉन्स्टेलेशन या गैलेक्सी। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए ऑप्लिक एंड प्लस कॉलेक्टिव वर्ड। कॉलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, जो कॉलेक्शन शो करता है। तो जो कॉलेक्शन शो करने वाला वर्ड है, ये सब वर्ड पैक, फ्लॉक, स्वार्म, सेओल, क्राउड, गैंग, है ना। और आगे लिखा हुआ था, तो जब कभी ध्यान रखना कि ए या एन के बाद ये कलेक्टिव वर्ड आ रहा हो, मतलब ये कोई कलेक्शन वाला वर्ड आया हो, उसके बाद ऑफ, तो ध्यान रखोगे इसके बाद नाउन प्लुरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लुरल। लेकिन ध्यान रखना भाव तो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस कलेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंग, और जब वो कलेक्टिव है तो सिंगुलर होगा, उसे भाव कैसा देना है, सिंगुलर भाव देना है। जैसे एक बात बताओ, अ हर्ड ऑफ कैटल आर कमिंग टुवर्ड्स अस। एक बात बताना, ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला है कैटल का एक झुंड हम लोग की ओर आ रहा है। तो पूछोगे सर कैटल का कैटल्स क्यों नहीं हुआ, देखो भाई हम तुमको पहले बता चुके हैं कि कैटल का प्लुरल नहीं बनता, इट मींस आप कैटल का कैटल्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी प्रकार के जानवर हैं उन सब के झुंड को हम हर्ड ही बोलेंगे, है ना। तो इसलिए यहां पे हमने लिखा हर्ड, तो अ हर्ड ऑफ कैटल। अब बताना भाव किसके अकॉर्डिंग आएगा, हर्ड के अकॉर्डिंग, और हमने बताया है क्या, भाव तुम्हारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो फिर यहां पे आर कमिंग टुवर्ड्स अस नहीं होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा इज। अब देखो, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और अ क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस। अगर आप ध्यान से समझो तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को या तो बैंड बोलते हैं या क्वायर बोलते हैं। तो अ बैंड और क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस, अब बताना यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हैज का, क्योंकि वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। हाँ, ये वाला म्यूजिशियन होता तो गलत होता, क्योंकि म्यूजिशियन का प्लुरल म्यूजिशियंस होता है। तो ध्यान रखना, अ बैंड और क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस हैज परफॉर्म्ड वेल इन द फंक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो, ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गैंग, बोर्ड, फैमिली, सोसाइटी, क्राउड। देखो, वैसा कॉलेक्टिव नाउन जिसमें कुछ एक ही टाइप के लोग होते हैं, जरा ध्यान से समझना, एक ही टाइप के लोगों का वो ग्रुप होता है, और हो सकता है कि कभी कभी वो यूनाइटेड हो। यूनाइटेड हो मतलब क्या है भाई, यूनाइटेड है मतलब वो एकमत है, और कभी कभी वो बट जाते हैं, मतलब वो आपस में डिवाइडेड हो जाते हैं, डिफरेंट इन ओपिनियन, जिसको हम बोलते हैं बटा हुआ। ध्यान रखना, जब कभी हम बात कर रहे हैं ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, ये नंबर फोर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गैंग, बोर्ड, फैमिली, सोसाइटी, क्राउड, ईटीसी। अब जैसे मान लो कि हम बात करें ज्यूरी का, ये पहले भी तुमको तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुके हैं, कमिटी कोई डिसीजन ले लिया, इट मींस यूनाइटेड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब डिवाइडेड है। पार्लियामेंट में कोई बिल देखो इजीली पास हो जाता है, तो सब लोग एक हो गए, पास हो गया, लेकिन जब जब बट गया पार्टी वाला, सारा पार्टी वाला अलग अलग हो गया, डिवाइडेड, बिल पास नहीं हुआ। गैंग है, मान लो कि ये चोर लुटेरों का समूह है जो जा रहा है, भाई कोई बोल रहा है हमको इस गांव में लूटना है, कोई बोल रहा है इस गांव में लूटना है ना। मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब मान लो डायरेक्टर्स लोगों का एक बोर्ड है, उसमें कुछ बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करो। फैमिली वाले आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में है। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मतलब यूनाइटेड है, और कुछ लोग आपके अगेंस्ट में है मतलब डिवाइडेड है। सोसाइटी, समाज, मान लो हो सकता है कि जब आप सोसाइटी में कुछ गलत होता है ना, तो कुछ लोग उसके साथ खड़े होते हैं और कुछ लोग सही के साथ खड़े होते हैं। अगर सब गलत के साथ खड़े हैं, एकमत हैं,
दोनों अलग अलग स्टैंड है दोनों का, तो वो डिवाइडेड है। क्राउड है, मान लो क्राउड का मतलब भीड़ होता है, भीड़ कभी एकमत होता है कभी वो बटा हुआ होता है। मान लो कि आप किसी चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं, है ना। अगर सारे लोग आपके साथ हैं यूनाइटेड हो गया, अगर सारे लोग कुछ लोग आपके साथ हैं कुछ लोग आपसे इतफाक नहीं रखते मतलब वो आपके साथ नहीं है तो वो डिवाइडेड हो गया। तो ध्यान रखना होगा आपको कि ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गैंग, बोर्ड, फैमिली, सोसाइटी, क्राउड, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कभी यूनाइटेड रहते हैं और कभी डिवाइडेड हो जाते हैं। ध्यान रखना जब इनका सेंस यूनाइटेड हो तो इन्हें सिंगुलर समझा जाता है। कैसा समझा जाता, सिंगुलर, और आपको वर्ब भी देना है सिंगुलर। कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखे द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया। अब बताओ पास बिल हुआ है इसका मतलब है कि ये एकमत होंगे, तो इसलिए अगर हम यहां पे हैव का यूज करते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट द कमिटी is not able to take any decision in this matter। एक बात बताना, ध्यान से समझना, कमिटी जो है इस मैटर में कोई डिसीजन लेने में एबल नहीं है। अब बताओ नॉट एबल, सेंस अगर नॉट एबल है मतलब ये डिवाइडेड है, और जब डिवाइडेड है तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे द कमिटी इज नॉट एबल नहीं, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा प्लुरल। फॉर एग्जांपल द ज्यूरी आर यूनाइटेड, गलत है, द ज्यूरी इज यूनाइटेड, है ना। और अगर हम उसी को लिख दे द ज्यूरी इज Not united, गलत है, लिखना पड़ेगा the jury are not united। तो ध्यान रखना jury, committee, parliament, gang, board, family, society, crowd, ये सब अगर united है singular होगा, verb singular देना है, और जब ये divided है तो plural होगा, verb plural देना है। ध्यान रखना, very important point। Next एक word है देखो deer, sheep, fish, swine, मतलब जिसको समझा जाता है कि जो अच्छा आदमी नहीं है, है ना, जो वर्मिन मीन्स इनिंग्स स्पीसीज ऑफ स्प्रिंग। ध्यान देना ये जो वर्ड दिए हुए हैं, फिर से एक बार देखो, डियर, शीप, फिश, स्वाइन, वर्मिन मीन्स इनिंग्स स्पीसीज और ऑफ स्प्रिंग। ध्यान रखोगे ये वर्ड इट्सेल्फ सिंगुलर है और इट्सेल्फ प्लुरल है। दीज वर्ड्स आर themselves singular और plural। बोलोगे मतलब ये सारे वर्ड अपने आप में सिंगुलर भी हैं और अपने आप में plural भी हैं। तो फिर पहली बात हम तुम्हें ये बता दें, अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे केवल लिखेंगे deer। अब इसके साथ verb कैसा होगा, तो deer is grazing in the ground कहना गलत होगा। ध्यान रखना अगर ये डायरेक्ट नंबर के साथ नहीं है तो इनके साथ हम वर्ब जो यूज करेंगे वो वर्ब प्लुरल होगा। तो यहाँ पे डियर इज नहीं, क्या होगा, डियर आर। क्लियर है, आप ऐसे नहीं लिख सकते डियर्स आर, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने आर तो सही लिखा है लेकिन डियर्स के साथ इस नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डियर। क्लियर है, अब ध्यान देना प्रॉब्लम क्या है कि जब इन सारे वर्ड्स के साथ आप यूज करोगे वन, वन के बाद ये सारे वर्ड्स आए, वन या एनी बोल सकते हो, सिंगुलर में एनी भी यूज होता है, ए का भी बात कर सकते हो, तो इस कंडीशन में इसके साथ जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर। यानी डियर, शीप, फिश, स्वाइन, वर्मिंग मीन्स इनिंग्स स्पीसीज और फर्स्टप्रिंग के साथ यदि वन का यूज हो तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है, देखो सीजीएल का क्वेश्चन था वन इनिंग्स आर Going to over now। अब यहां पे ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, ये सी, और तुम तो जानते हो नो इरर होता है डी में। अब क्या किया मैक्सिमम लोगों ने, उनको लगा एक की बात है तो यहां इनिंग्स नहीं इनिंग होना चाहिए, लेकिन आप जरा धम समझो ध्यान से, इनिंग्स तो होगा ही नहीं,
सॉरी इनिंग तो होगा ही नहीं, आपको इनिंग्स ही लिखना है चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो ये तुम्हारा इनिंग्स बिल्कुल क्या है, ठीक है। लेकिन जब बात वन का किया है तो हम यहाँ पे आर नहीं कर सकते, इज कर सकते हैं। सॉरी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आ गया, क्वेश्चन था द फर्स्ट इनिंग्स आर गोइंग टू ओवरना, बट वो गलत है, द फर्स्ट इनिंग्स आर नहीं, द फर्स्ट इनिंग इज होगा, गोइंग टू ओवरना। लेकिन ध्यान रखना वन के प्लेस पे टू थ्री फोर आ जाए, मतलब जो सेंस एक से ज्यादा का देता है ना, तो जब सेंस एक से ज्यादा का देता है प्लस डियर सीप ऐसे लिख सकते हो है ना इटीसी, तो जब वन के अलावा कोई हो तो वर्ब आपको देना है प्लुरल। हम कैसा वर्ब देंगे, प्लुरल वर्ब देंगे, बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एमटीएस में एक क्वेश्चन आया था, फाइव डियर्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, हमने आपको पहले ही मना कर दिया है, आप इसे सिंगुलर ट्रीट करो या प्लुरल ट्रीट करो, प्लुरल आप बना नहीं सकते, तो यहां पे फाइव डियर्स नहीं, क्या होगा फाइव डियर, मतलब जिसके लास्ट में एस है वो एस रहेगा ही रहेगा है ना, फिर भी वो सिंगुलर हो सकता है, और जिसके पास एस नहीं है फिर भी वो प्लुरल हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर वो सेपरेटली यूज हो रहा है तो इसे प्लुरल वर्ब देना है, मतलब अकेले यूज हो रहा है। वन के साथ देखो फर्स्ट भी एक का ही सेंस देता है ना, और वन के साथ यूज हो रहा है, जैसे फर्स्ट सेकेंड भी लिखा रहेगा तो सिंगुलर ही सेंस देगा, और जब टू थ्री फोर का यूज करेंगे उसके बाद ये सारे वर्ड्स का यूज होगा, तो उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर है। अगर हम इसी में लिख देते बोथ द, ये इनिंग्स वाला क्वेश्चन, बोथ द इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ, सॉरी गोइंग टू ओवर नाउ। अब बताओ बोथ द इनिंग्स, बात दो इनिंग्स का हो रहा है तो यहां पे इज नहीं क्या होगा आर होगा। तो ध्यान रखना डियर शीप फिश स्वाइन वर्मिन मेंस इनिंग्स स्पीशीज ऑफ स्प्रिंग्स, ये सब प्लुरल है, प्लुरल वर्ब देते हैं, बट इसके पहले अगर हम सिंगुलर नाउन का यूज कर लें, वन का यूज कर लें, एनी का यूज कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह का यूज कर लें, तो इसे सिंगुलर समझा जाएगा, सिंगुलर वर्ब देंगे। लेकिन अगर इसके पहले हम प्लुरल नाउन का यूज करें, जैसे टू थ्री फोर ही केवल प्लुरल नाउन नहीं है, आप सम का भी यूज कर लो, ऑल का भी यूज कर लो, बोथ का भी यूज कर लो, तो इन सारे वर्ड्स में से किसी भी एडजेक्टिव का यूज जब हम इसके पहले करेंगे तो उस कंडीशन में ये प्लुरल फॉर्मेशन होता, वह प्लुरल देते हैं। बट ध्यान रखना एस ईएस अपने मन से ना तो जोड़ेंगे और ना ही अपने मन से हटाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट। अब जैसे देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, अब यहां पे फर्स्ट में लिखा है वर्मिंस आर वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स व्हिच थ्राइव इन डर्टी प्लेसेस, क्वेश्चन आया हुआ है, अब बताना वर्मिंस आर होगा या वर्मिन, तो यहां पे एस का यूज नहीं होगा। मेल डियर्स हैव हॉर्न्स व्हिच आर कॉल्ड एंटलर्स, अब बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, मेल डियर्स नहीं, क्या होगा मेल डियर। क्लियर है, आप पूछोगे हैव क्यों आया, ये बात आप समझ चुके हैं, आगे कोई एडजेक्टिव नहीं है जो सिंगुलर या प्लुरल शो करता है तो हम प्लुरल वर्ब ही यूज करते हैं। अब जैसे शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर रियर्ड इन हिल्स, अब बताओ शिप्स आर नहीं, यहाँ पे क्या होगा शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर रियर्ड इन हिल्स। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान रखना एक वर्ड है पुलिस, पुलिस जो है इसे हम ट्रीट करते हैं प्लुरल, पुलिस को कैसा ट्रीट किया जाता है प्लुरल ट्रीट करते हैं, और पुलिस प्लुरल है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा प्लुरल वर्ब, इसके साथ वर्ब कैसा होगा प्लुरल वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल देखो लिखा है द पुलिस हैज काउट द थिफ, गलत है, यहां पे लिखना पड़ेगा द पुलिस हैव काउट द थिफ। क्लियर है, तो पुलिस प्लुरल है इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट सिंगुलर, एक बात बताओ अगर हम एक पुलिस वाले का बात कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वन पुलिस लिख दें है ना, आप अगर वन पुलिस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर एक सिपाही का बात करो तो उसके लिए हमें इंग्लिश यूज करना है पुलिस मैन, क्या इंग्लिश यूज करेंगे पुलिस मैन। फॉर एग्जाम्पल आई सा अ पुलिस हु वाज रनिंग ऑन द रोड, कहना गलत है, अगर आपने एक पुलिस को देखा है तो हम यहां पर लिखेंगे आई सा अ पुलिस मैन, क्योंकि एक का बात है, ये लिखा हुआ नहीं था, हमने लिखा है आई सा अ पुलिस मैन हु वाज रनिंग ऑन द रोड। लेकिन ध्यान रखना
हमने बताया था यदि लास्ट में मैन हो तो उसका प्लुरल मैन वाले का प्लुरल बनाते हैं, तो पुलिस मैन का प्लुरल होगा पुलिस मैन। मतलब क्या है, टू थ्री फोर फाइव मेनी ऑल सम का बात करें तो आप यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, सम पुलिसेस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, है ना। फाइव पुलिसेस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा यहां पे सम पुलिस मैन, क्या लिखना पड़ेगा, सम पुलिस मैन, और यहां पे हम यूज करेंगे फाइव पुलिस मैन का। तो ध्यान रखोगे कि पुलिस जो है ये प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल वर्ब आता, एक सिपाही के लिए पुलिस मैन, एक से ज्यादा के लिए पुलिस मैन। तो सम पुलिसेस आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली। अब बताना सम का बात किए हो तो पुलिसेस नहीं, यहां पे लिखना होगा पुलिस मैन। क्लियर है, तो थैंक यू बड़ा सा। अब देखो ये आज नाउन का तीन पार्ट किए, लगभग देखो 10 पार्ट्स होगा, और 10 पार्ट्स में फिर हमारा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको होल लाइफ टाइम में कभी आपको नाउन में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, इसके पहले आपको हमने 2 पार्ट करवाया है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ही डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से जो भी पीडीएफ होगा वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।